adding 3D text to canvas. You can also enhance your artwork by adding 3D text to your canvas. The Paint 3D Text tool is an upgrade of text tool used in MS Paint. तो आप जैसे स्टिकर्स ऐड करते हो, 3D स्टिकर्स आपने ऐड किया, तो वैसे ही आप 3D और 2D टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो अपनी ड्राइंग को, आर्ट को और अच्छा बनाने के लिए. ओके, एंड पेंट 3D टेक्स्ट टूल इज एन अपग्रेड ऑफ टेक्स्ट टूल यूज्ड इन MS Paint. और ये आपके MS Paint का एक अपग्रेडेड टूल है, ठीक है. विद MS Paint प्रोग्राम यू कैन ओनली एड 2D टेक्स्ट टू योर ड्राइंग. और आप अपने MS Paint प्रोग्राम अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें आप सिर्फ 2D टेक्स्ट ऐड यूज कर सकते थे, लेकिन इन द पेंट 3D प्रोग्राम में आप 2D एंड 3D दोनों टेक्स्ट ऐड कर सकते हो. ओके, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, टॉप मेन्यू में आपको मिल जाएगा द पॉइंटर चेंजेस टू एरो साइन. आपको चेंज पॉइंटर आपको बिल्कुल ऐसा एरो जैसा दिखेगा. क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द कैनवास एरिया. आपको नॉर्मली ड्रैग करना है टेक्स्ट बॉक्स को ऑन द कैनवास एरिया. अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स विद ऑप्शन टू रोटेट द टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर विद अ ब्लिंकिंग कर्सर इनसाइड इट. आपको एक डॉटेड, जैसे ही आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे आपको एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स मिल जाएगा, जैसा आपने स्टिकर को सेलेक्ट किया था तो मिला था. और रोटेट का ऑप्शन भी आएगा उसमें, और ब्लिंकिंग कर्सर आपको इनसाइड में ही शो करेंगे. तो आप जब वहाँ पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करते हो तो एडिट का ऑप्शन आएगा. तो टाइप द टेक्स्ट एज शोन इन द टेक्स्ट बॉक्स. आपको टेक्स्ट टाइप कर देना है वॉट एवर यू वॉन्ट टू टाइप. यू कैन देन यूज द रोटेशन टूल्स टू चेंज द कन्वर्ट द टेक्स्ट इन टू 3D. और आपको अगर टेक्स्ट को 3D ऑप्शन में चेंज करना है तो आपको 4 एक्सेस दी रही होंगी, 3 एक्सेस दी जाएंगी, वहाँ से आप इजीली अपने टेक्स्ट को रोटेट करके और कन्वर्ट करके आप उसको 3D में चेंज कर सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सी इट इज़ रिटन किप्स. और किप्स को कैसे इन्होंने रोटेट किया है, 3D किया है. आई नो कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल थिंग्स विद द बुक्स और टीचिंग. सो बच्चों, जब स्कूल आपका ओपन होगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊँगी ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए ये बहुत फ़न भी होगा और आपको समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा. और आपको इवन आपको ये प्रोग्राम जब आप ओपन करोगे, आप उस पर वर्क करोगे तो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है. सो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं. ओके, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इस पर कि कैसे स्टिकर्स को ऐड करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे. सो डिलीटिंग 3D टेक्स्ट फ्रॉम द कैनवास. अब कैनवास पे से टेक्स्ट को डिलीट करना है तो अ सिंपल, वेरी सिंपल इजी स्टेप्स हैं इसके. आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जैसे आप सेलेक्ट करते थे, और आपको डिलीट आइकन ऑप्शन पे जा करके डिलीट बटन प्रेस कर देना है. नाउ योर 3D एंड 2D टेक्स्ट विल बी डिलीट. सो नाउ यू हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स इन पेंट 3D. यू कैन ऑल्सो इन्हांस द लुक ऑफ योर आर्ट वर्क यूजिंग कलर्स, टेक्स्चर एंड इफेक्ट. यू कैन फिल द कलर इन योर टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो एडिंग इफेक्ट, हाउ टू एड इफेक्ट. ओके, हेयर यू कैन सी व्हेन यू एड एनी बॉक्स, एनी शेप्स इन योर कैनवास. ओपन अ आर्ट वर्क यू हैव ऑलरेडी सेव्ड यूजिंग पेंट 3D. तो आपको अपना ओपन करना है कैनवास जो ऑलरेडी आपने सेव कर रखा है. क्लिक ऑन द इफेक्ट्स आइकन ऑन द टॉप मेन्यू. आपको सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल टॉप में मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है. एंड मेन्यू द इफेक्ट पैनल विल अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड. आपको इफेक्ट ऑप्शन जो है वो राइट हैंड साइड में मिल जाएगा. सेलेक्ट द फिल्टर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम फिल्टर्स. क्लिक ऑन द फिल्टर टू अप्लाई द इफेक्ट. और एज यू विल क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन, आप जिस टाइप का फिल्टर चाहो, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स दिए हुए हैं. यू कैन फिल द कलर इन द ऑब्जेक्ट. यू कैन इन्हांस और लाइटन द इफेक्ट बाय रोटेटिंग द सन आइकन ऑन द इफेक्ट पैनल. और आप इसको लाइट को ब्राइट और लाइट कर सकते हो इसके कलर को बाय रोटेटिंग द सर्कल. या सर्कल में आप देख सकते हो एक सन आइकन है और यहाँ पे एक डॉट होता है. उस डॉट को आप जब माउस से ड्रैग करते हो, रिमूव करते हो, तो आपका ये जो लाइटिंग होती है वो लाइट और डार्क होती है. सो नाउ एडिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3D लाइब्रेरी.
तो आपके यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलेगी कि 3D लाइब्रेरी आपके इस प्रोग्राम में मिलेगी, जहाँ से आप इजीली कोई भी पिक्चर्स अपने कैनवास पे ऐड कर सकते हो और ये पिक्चर्स बिल्कुल आपको एकदम ओरिजिनल पिक्चर्स जैसी लगेंगी। क्लिक ऑन 3D लाइब्रेरी आइकन इन द टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू में ही आपको 3D लाइब्रेरी नाम से एक आइकन मिल जाएगा। फ्रॉम द 3D लाइब्रेरी पैन सेलेक्ट अ 3D मॉडल। वंस सेलेक्टेड द मॉडल विल ऑटोमेटिकली लोड एंड विल बी इंसर्टेड इनटू 3D कैनवास। तो जब आप 3D पैनल 3D लाइब्रेरी ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे और सारे मॉडल सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी और आप नॉर्मल किसी भी पिक्चर पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ 3D मॉडल ऑफ योर चॉइस इन द लिस्ट, यू कैन ऑल्सो फाइंड द 3D मॉडल बाई टाइपिंग इट्स नेम इन द सर्च बॉक्स। और अगर आपको ऑप्शन ओपन करने पर आपको अपनी सेलेक्टेड पिक्चर्स जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रही हैं, तो आप सर्च ऑप्शन में जा करके क्लिक करके सर्च में अपना फेवरेट कार्टून पिक्चर डाल करके टाइप करके आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड जो भी मैंने आपको पढ़ाया। द स्टिकर ऑप्शन इज़ यूज टू ऐड रियलिस्टिक टेक्सचर एंड आइकन टू योर ड्राइंग्स। ओके, टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द कैनवास यूज द सेलेक्ट टूल फ्रॉम द टॉप मेन्यू। यू कैन चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द स्टिकर बाय ड्रैगिंग इट्स एजेस। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अगर किसी स्टिकर का साइज़ या पोजीशन चेंज करना है तो आप उसके एज से ड्रैग करके चेंज कर सकते हो। टू डिलीट अ स्टिकर यू कैन यूज़ द डिलीट ऑप्शन। और अगर आप किसी स्टिकर को डिलीट करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ द डिलीट ऑप्शन गिवन इन द सिलेक्शन पैन। द पेंट 3D टेक्स्ट टूल इज़ एन अपग्रेड ऑफ टेक्स्ट टूल यूज्ड इन MS पेंट। और MS पेंट का ही एक अपग्रेड वर्जन है, अपग्रेड 3D टेक्स्ट जो है वो अपग्रेड टूल है। द इफेक्ट ऑप्शन हेल्प अस टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इफेक्ट ऑप्शन होता है वो आपके जो ड्राइंग दिख रही है उसके अपीयरेंस को और बेटर बनाने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ वी विल सी सम एक्सरसाइजेस। द डैश ऑप्शन इज यूज टू ऐड रियलिस्टिक टेक्स्चर एंड आइकन टू योर ड्राइंग। तो रियलिस्टिक टेक्स्चर आपका कौन करेगा? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो स्टिकर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट है द स्टिकर आइकन इज अवेलेबल ऑन द स्टिकर। अवेलेबल आपका कहाँ पे अवेलेबल होता है स्टिकर आइकन? टॉप मेन्यू पे। कहाँ पे अवेलेबल होता है? टॉप मेन्यू पे। टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द कैनवास यूज सेलेक्ट टूल। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप क्या कौन सा टूल यूज करोगे? सेलेक्ट टूल। नाउ द नेक्स्ट, टू डिलीट अ स्टिकर यू कैन यूज द डैश आइकन गिव इन द सेलेक्शन पैन। अगर आपको किसी डिलीट स्टिकर को डिलीट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? डिलीट ऑप्शन। ओके, डिलीट ऑप्शन। द इफेक्ट पैन विल अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी आपका ये ऑप्शन यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा, राइट हैंड लिखा हुआ है। नाउ वी विल सी स्टे ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स करना है। तो स्टिकर्स कैन बी एडेड टू 2D और 3D ड्राइंग्स। तो स्टिकर्स को हम ऐड कर सकते हैं 2D और 3D ड्राइंग्स में। देर आर ओनली 2 आइकन्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टिकर्स पैनल। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे आपको स्टिकर्स पैनल में। 3 आइकन्स थे। ओके, टू मेक एनी चेंज इन अ स्टिकर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सेलेक्ट द स्टिकर। तो ये गलत है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चेंजेस करने हैं, कोई भी चेंजेस, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टिकर्स को सेलेक्ट करने की। द पेंट 3D टेक्स्ट टूल इज़ एन अपग्रेड ऑफ टेक्स्ट टूल यूज्ड इन MS पेंट। तो दिस वन इज़ ऑल्सो अ करेक्ट ट्रू। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन स्टिकर यूजिंग पेंट 3D एप्लीकेशन। येस, यू कैन क्रिएट योर ओन स्टिकर्स। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। दिस इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ और यू विल ट्राई टू डू इट। ओके माय डियर स्टूडेंट, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ and I know that you all are very smart and you can do it. Now then after you will answer the following question. Name the various form in which 3D stickers are available and what is 3D paint. Then you will write about this. Okay, now have a nice day. Thank you. Bye bye.